नमस्कार दोस्तों, एसएस इंजीनियरिंग में आपका स्वागत है। मैं प्रदीप साहू। दोस्तों, मैंने अपनी फर्स्ट वीडियो में बात की थी सेल थिकनेस क्या है, उसे फाइंड आउट कैसे किया जाता है, एंड सेकेंड वीडियो में सेल थिकनेस फॉर्मूला एंड उसमें लिखे कीवर्ड और सिंबल के बारे में डिस्कस की थी, और साथ में हमने कांस्टेंट और बाय डिफ़ॉल्ट सेट की गई वैल्यू के बारे में जाना था, एंड थर्ड वीडियो में हम इसे स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट को कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद सेकेंड पार्ट को, फिर सेकेंड और थर्ड पार्ट को आपस में जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद इसकी जो वैल्यू आएगी उसे फर्स्ट वाले पार्ट के साथ डिवाइड कर देंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसे सॉल्व करके। दोस्तों, फॉर्मूला में सबसे पहले डी लिखा है। डी सेल थिकनेस है जो हमें निकालना है। उसके बाद है रॉ डब्लू। रॉ डब्लू ये हमारे वाटर की डेंसिटी है जो कि 1000 केजी पर मीटर क्यूब बाय डिफॉल्ट ली गई है। उसके बाद है सी डब्लू। सी डब्ल्यू ये हमारे वाटर की स्पेसिफिक हीट है जो कि 4200 जूल पर केजी है, एंड इसे भी बाय डिफॉल्ट लिया गया है। उसके बाद है जी। दोस्तों, जी की वैल्यू हमने एक एग्जांपल के तौर पर ली है। जैसे कि मान लीजिए हमारा एलपीएम है 900 एंड हम वाटर का इनलेट एंड आउटलेट का टेम्परेचर 8 डिग्री सेल्सियस लेकर चल रहे हैं। उस कंडीशन में हमारे सेल की थिकनेस कितनी होगी, उसके लिए एलपीएम की वैल्यू लीटर पर मिनट की जगह क्यूबिक मीटर पर सेकंड में लेनी पड़ेगी। उसके लिए हम एलपीएम को 0.00017 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो 0.0153 क्यूबिक मीटर पर सेकंड होगी, एंड यही हमारे जी की वैल्यू होगी। और दोस्तों, एक बात आप लोगों को और बता दूं कि अगर आप लोगों को एलपीएम यानी कि लीटर पर मिनट को क्यूबिक मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना हो, तो इसका सीधा सा फॉर्मूला है। एलपीएम को 0.00017 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका एलपीएम यानी कि लीटर पर मिनट से क्यूबिक मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो दोस्तों, हमारा फर्स्ट पार्ट की वैल्यू निकल गई है। अब बात करते हैं सेकेंड पार्ट की। तो सेकेंड पार्ट में सबसे पहले है रॉ एस यानी कि स्टील की डेंसिटी। दोस्तों, हमने यहाँ स्टील की डेंसिटी 7200 केजी पर मीटर क्यूब फॉर्मूला में पुट की है, बट मैंने आप लोगों को शुरू में स्टील की डेंसिटी 7850 केजी पर मीटर क्यूब बताया है, लेकिन हम यहाँ पर स्टील की डेंसिटी 7850 की जगह 7200 केजी पर मीटर क्यूब बाय डिफ़ॉल्ट फार्मूला में पुट किया है। आप लोग चाहें तो इसे अपने प्लांट के मेटल क्वालिटी एंड ग्रेड के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। उसके बाद है आईएस यानी कि स्टील की इनथैल्पी, जो कि 270,000 जूल पर केजी सेट किया गया है। उसके बाद है एससी यानी कि स्टैंड सरकमफ्रेंस, जो कि फॉर एग्जांपल मेरा सेक्शन साइज है 100 mm। वैसे तो आप सभी लोगों को पता है कि हम जो जनरली मोल्ड ट्यूब यूज करते हैं उसका डिजाइन स्क्वायर होता है। हालांकि इसके अलावा भी कई अलग अलग टाइप्स के मोल्ड ट्यूब आते हैं, लेकिन हम यहाँ स्क्वायर मोल्ड ट्यूब की बात कर रहे हैं, एंड स्क्वायर होने की वजह से इसके चारों साइड 100x100 होता है। अगर हम 100 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका आंसर आएगा 400 mm, बट हमें इसकी जो वैल्यू पुट करनी है उसे मीटर में लेनी है। इसके लिए हम 400 mm को 1000 से डिवाइड कर देंगे तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो होगी 0.4 मीटर, एंड ये हमारे SC की वैल्यू होगी। ये तो आप लोगों को पता ही होगा कि 1 मीटर में 1000 mm होता है, जो कि होता है, तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम mm को 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो मीटर में कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद है भी यानी कि वेलोसिटी। यहाँ पर आपको कास्टिंग स्पीड लेना है जो कि मीटर पर सेकंड में लेनी है। फॉर एग्जांपल हमारी कास्टिंग स्पीड है 3 मीटर पर मिनट, एंड आप सभी लोगों को पता होगा कि 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं, तो कास्टिंग स्पीड को मीटर से सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए हम 3 मीटर को 60 सेकेंड से डिवाइड कर देंगे, तो इसका जो आंसर आएगा वो 0.05 मीटर पर सेकेंड होगा, जो हमारे भी की वैल्यू होगी।
एंड दोस्तों ये तो था हमारा सेकेंड पार्ट, अब बात करते हैं थर्ड पार्ट के बारे में। तो दोस्तों फॉर्मूला में हमने वेलोसिटी दो बार ऐड की है जो कि वी प्लस वी है, हमारी कास्टिंग स्पीड। कास्टिंग स्पीड हम सेकेंड पार्ट में ऐड कर चुके हैं एंड थर्ड पार्ट में भी कास्टिंग स्पीड सेम रखेंगे जो कि 0.05 मीटर पर सेकेंड होगी, ना कि मिनट में। उसके बाद है ए और बी, यानी कि डायमेंशन ऑफ द मोल्ड वॉल, जो कि फॉर एग्जांपल के लिए हमने 10 mm कंसीडर किया है, बट हमें यहाँ ए और बी की जो वैल्यू है उसे mm की जगह मीटर में लेनी है। उसके लिए हमें mm को मीटर में कन्वर्ट करना होगा। हालांकि आप सभी लोगों को पता है कि 1 meter by 1000 mm होता है, तो हम 10 mm को 1000 से डिवाइड कर देंगे तो हमें जो वैल्यू मिलेगी वो मीटर में होगी। फॉर एग्जांपल 10 mm डिवाइडेड बाय 1000 mm इक्वल टू 0.01 meter, एंड यही हमारे ए और बी की वैल्यू होगी। उसके बाद है स्टील की डेंसिटी। दोस्तों स्टील की डेंसिटी हमने सेकेंड पार्ट में जो कंसीडर की है 7200 kg पर मीटर क्यूब, सेम वैल्यू हम थर्ड पार्ट में भी पुट करेंगे। उसके बाद है डेल्टा टी, जो कि 8 degree Celsius हमने पुट किया था फर्स्ट पार्ट में, सेम वैल्यू थर्ड पार्ट में भी रखेंगे। उसके बाद लास्ट में है CS, यानी कि स्टील की स्पेसिफिक हीट, जो कि 840 जूल पर kg ली गई है। एंड दोस्तों इसे भी बाय डिफ़ॉल्ट सेट किया गया है। तो दोस्तों हमारा यहाँ पर थर्ड पार्ट भी कंप्लीट हो गया। अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इनकी फाइनल वैल्यू क्या होती है। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग देख सकते हैं टॉप में हमारा फॉर्मूला शो हो रहा है, एंड फर्स्ट पार्ट की जो वैल्यू है उसे हम आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। फॉर एग्जांपल 1000 × 4200 × 0.0153 × 8, इनको जब हम आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें एक वैल्यू मिलती है जो होती है 5140800, जो हमारे फर्स्ट पार्ट की फाइनल वैल्यू होगी। उसके बाद है सेकेंड पार्ट, ये वाला हमारा सेकेंड पार्ट है। एंड दोस्तों सेकेंड पार्ट में भी हम आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। फॉर एग्जांपल 7200 × 217000 × 0.4 × 0.05, एंड इनको भी जब हम आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें एक वैल्यू मिलती है 3888000, जो हमारे सेकेंड पार्ट की फाइनल वैल्यू होगी। सेम उसी प्रकार हम थर्ड पार्ट को भी आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, और मल्टीप्लाई करने के बाद हमें एक छोटी सी वैल्यू मिलेगी जो होगी 241.92। ये हमारे थर्ड पार्ट की फाइनल वैल्यू होगी। उसके बाद हमें दो स्टेप और फॉलो करना है। सेकेंड पार्ट एंड थर्ड पार्ट को आपस में प्लस कर देना है, जैसे कि 3888000 + 241.92। उसके बाद हमें एक फाइनल वैल्यू मिलेगी जो होगी इक्वल टू 3888000 + 241.92, जो कि सेकेंड और थर्ड पार्ट की आपस में प्लस करने के बाद मिलेगी। उसके बाद सेकेंड और थर्ड पार्ट की फाइनल वैल्यू को फर्स्ट वाले पार्ट की वैल्यू के साथ डिवाइड कर देंगे। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं 5140800 डिवाइडेड बाय 3888000 = 241.92, तो इसका जो फाइनल आंसर आएगा वो 13.22 mm, ये हमारे डी की वैल्यू होगी, यानी कि सेल थिकनेस की मोटाई। यानी कि दोस्तों हमारी जो सेल की थिकनेस जो बन रही है वो 13.2 mm। एक छोटी सी जानकारी और देना चाहूँगा आप लोगों को। इसके बाद दोस्तों मैं पार्ट 4 लेकर आऊँगा आप लोगों के लिए, जिसमें हम सेल थिकनेस से रिलेटेड कुछ और डिस्कस करेंगे, जिसमें कास्टिंग स्पीड, स्टील डेंसिटी, वाटर फ्लो रेट, डेल्टा टी एंड कुछ छोटी छोटी वैल्यू को चेंज करके चेक करेंगे और देखेंगे कि वैल्यू को चेंज करने पर सेल थिकनेस पर क्या फ़र्क पड़ता है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।